Hello, assalamu alaikum. Welcome back to your training session of affiliate marketing program by MSMark. I hope everyone is doing great. आप सब खैर खैरिया से ठीक ठाक होंगे. तो आज का जो हमारा affiliate marketing का जो training session है उसका आज हमारा third lecture है. और पहले दो session के अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को cover up कर लिया था theoretically. और आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर थियोरेटिकल वर्क से ज़्यादा हमारा प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा फोकस किया जाएगा. आपने पहले दो लेक्चर्स के अंदर काफ़ी चीज़ों को देखा, समझा और आपको उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिली. बट आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल करके कवर करेंगे, जिसके अंदर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मज़ीद क्लियर हो जाएगी, जो कि आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा. और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का हमारा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो. तो आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है बिल्डिंग एन अफिलिएट वेबसाइट एंड ब्लॉग. अच्छा, आज के सेशन पे बढ़ने से पहले हम ज़रा पिछले दो सेशंस का रीकैप ले लेते हैं. हमने पहले दो सेशंस का जो हमारा था उसके अंदर हमने फंडामेंटल्स को कवर किया. फंडामेंटल्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को समझा. हमने ये समझा कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं, किस तरह किन चीज़ों को किया जाता है. उसके बाद उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मार्केटिंग फनल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हमारे पास अहम चीज़ें हैं, उनको हमने स्टडी किया. उसके बाद जो हमारा दूसरा सेशन था जिसके ऊपर हमने स्टडी किया कि हम लोगों की प्रॉफिटेबल नीशेज़ कैसे होती है, हम उनको सेलेक्ट किस तरह करते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पीछे क्या वर्किंग होती है, किन किन हम लोग पॉइंट्स और मुनाज़रों को देख के उसको हम चूज़ करते हैं, और चूज़ कर लेने के बाद उसको हम लोग टॉप रिटेंशन पर कैसे रखते हैं. तो आज का जो हमारा सेशन है वो बिल्डिंग एन अफिलिएट वेबसाइट और एंड ब्लॉग के ऊपर है. अच्छा, आज का सेशन इसके ऊपर आपको एक चीज़ बताता चलो, जो आज का सेशन है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हमने जिधर अपनी प्रोडक्ट्स को अफिलिएट मार्केटिंग के लिए लाइव करना है, या जो हमारा लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे कस्टमर आके देखेगा और देख के आगे परचेज़ करेगा, हमारे अफिलिएट तक जाएगा, उस जाने तक के लिए आपको मैंने कल भी एक चीज़ एक्सप्लेन की थी जिसको हम कहते हैं फनल. हमारा जो पहला लेक्चर था उसके लेक्चर के अंदर हमने एक चीज़ को स्टडी किया था, वो था फनल. तो जो हमारा अफिलिएट फनल होगा उसके रिलेटेड आज हम लोग स्टडी करेंगे. आज हम लोग वेबसाइट को लेकर स्टडी करेंगे, ये थोड़ा प्रोफेशनल वे है और थोड़ा प्रोफेशनल फनल है. और इसके बाद जो हमारा अगला जो हमारा सेशन होगा वो उसके ऊपर होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस भी है. बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फनल टू फोकस ऑन. तो कल के और टॉपिक के अलावा आज के टॉपिक को भी ज़रा हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकसली स्टडी करेंगे और उन चीज़ों को करेंगे कवर. और जो हमारा लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी स्टडी करना था, जिनमें गूगल ट्रेंड्स और बाकी चीज़ें थी, तो आज उनको भी स्टडी कर लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. और आई होप आपका जो ये ट्रेनिंग सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लोरिंग जा रहा होगा और काफ़ी नॉलेजेबल जा रहा होगा. काफ़ी ज़्यादा आपको न्यू और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी और आगे मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी. अच्छा जी, बिल्डिंग एन अफिलिएट वेबसाइट और ब्लॉग इज द फंडामेंटल स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग अ सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस. योर वेबसाइट सर्व अ फाउंडेशन फॉर प्रमोटिंग अफिलिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्रिएटिंग वैल्यूएबल कॉन्टेंट एंड अट्रैक्टिंग टारगेटेड ऑडियंस. हियर द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ बिल्डिंग एन अफिलिएट वेबसाइट और ब्लॉग. अच्छा जी, अफिलिएट वेबसाइट और जो ब्लॉग होता है, अच्छा ब्लॉग पोस्ट आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग इससे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि वेबसाइट और ब्लॉग क्या होता है. ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होता है और ऐसा थ्रेड होता है जहाँ पे एक चीज़ से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल लिखा होता है, जिसके ऊपर उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, एक पेज होती है. ब्लॉग पोस्ट को अगर मैं अगर आपको आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करूँ तो समझ लें जिस तरह एक फेसबुक की पोस्ट होती है ना, ब्लॉग एक वेबसाइट की पोस्ट को कहते हैं, जिसके ऊपर उसके पूरा एक थ्रेड लिखा होता है, एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और उधर से भी आप अफिलिएट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका इसको ब्लॉग को उसको इसमें यूज़ किया गया. अच्छा जी, अब वेबसाइट जो होती है ना, ये आपके अफिलिएट बिजनेस की फाउंडेशन होती है. वेबसाइट हो जाए, आपका फेसबुक पेज हो गया, आपका इंस्टाग्राम पेज हो गया, आपका पिंटरेस्ट अकाउंट हो गया, जो भी आपकी लैंडिंग फनल होती है ना, वो आपका बहुत ही अहम रोल अदा कर रही होती है इसकी अफिलिएट के बिजनेस के अंदर. और वेबसाइट उसके अंदर मेरे ख्याल से टॉप नंबर पे आएगी, क्योंकि वेबसाइट एक काफ़ी प्रोफेशनल वे होता है, एक ऑथेंटिक वे होता है कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए सेल्स के लिए, जिसको मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि किस तरह की वेबसाइट से आप किस तरह सेल्स कन्वर्ट हो सकती हैं. ठीक है, अब वेबसाइट जो आप बनाते हैं ना, वेबसाइट हमेशा आपकी टारगेटेड ऑडियंस, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपका पेज, आपकी नीश और आपका जो ये कॉन्टेंट जहाँ से बनता है, जिधर से आप
अपनी सेल्स को कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे आप पोस्ट करते हैं, वो एक डेडिकेटेड ऑडियंस की होनी चाहिए। अगर तो आप कार प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आप अफिलिएट कर रहे हैं, तो आपका फेसबुक पेज, आपकी वेबसाइट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, सारी चीज़ें एक उस नीच से रिलेटेड कस्टमर ऑडियंस को अपील करनी चाहिए, तभी आपकी एक अच्छी सेल्स निकल सकती हैं। ठीक है, अब इसके हम स्टेप बाय स्टेप ज़रा चीज़ों को ज़रा स्टडी करेंगे डेप्थली, के इसको किस तरह हम एक अफिलिएट वेबसाइट को बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और किस तरह इसकी हम फाउंडेशन को सेट करते हैं। तो चलिए आज का हम पहले स्टेप के ऊपर चलते हैं। चूज़ अ डोमेन नेम। अच्छा जी, डोमेन नेम का चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसके अंदर भी सारा बताया जाएगा, बिकॉज आपकी डोमेन का जो नेम होगा वही काफ़ी ज़्यादा अपील कर लेता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका वेबसाइट का नाम है टॉम्स हार्डवेयर, अब टॉम्स हार्डवेयर का मतलब क्या है, हार्डवेयर की दुकान है, लेकिन अंदर आप बेच क्या रहे हैं, ब्यूटी निश के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सो दैट्स अ टोटली ऑपोजिट थिंग। तो वो चीज़ें जो है ना वो मैच अप नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज़ों के लिए ना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डोमेन नेम जो है ना वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए आपके कंटेंट से काफ़ी हद तक, या तो फिर आप बिल्कुल एक जेनेरिक कीवर्ड रख लें, अपने नाम के ऊपर रख लें, किसी और चीज़ के ऊपर रख लें, तो वो हर जगह चल जाएगा। जेनेरिक नेम ज़्यादातर मैं सबको रिकमेंड करूँगा आप जेनेरिक नेम की तरफ जाएं, रादर देन कि आप किसी नीश के अंदर से कोई वर्ड निकालें। स्टार्ट बाय चूजिंग अ यूनिक एंड रेलिवेंट डोमेन नेम ऑफ योर वेबसाइट। आइडियली द डोमेन नेम शुड बी रिफ्लेक्ट योर नीश एंड ईजी टू रिमेंबर। कंसिडर योर कीवर्ड रिलेटेड टू योर नीश आफ्टर फॉर योर बेटर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेनिफिट्स। अच्छा, SEO के लिए ना कीवर्ड बड़ा मैटर करता है। कीवर्ड के अंदर आपके बड़ा एक रेलिवेंट और जेनेरिक कीवर्ड होगा ना, उतना आसानी से रैंक हो जाता है। तो ये चीज़ों को आपने ना बड़ा ज़्यादा मद्देनज़र पर रखना है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किस तरह आप जो हैं अपना कीवर्ड्स को और अपनी डोमेन को ढूंढेंगे। तो डोमेन को ढूंढने के लिए हम आप कहाँ से डोमेन खरीद सकते हैं, ये एक वेबसाइट है namecheap.com, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं वेबसाइट। नेमचीप है, गोडेडी है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है। बट एज अ न्यूबी और एज अ बिगिनियर मैं आपका आप मेरे से पूछेंगे कि रिलायबल और सस्ती डोमेन लेने के लिए अगर आपको कहीं जाना है, तो आई वुड रिकमेंड यू दैट यू शुड गो विद द नेमचीप। आसान है और बड़ा ईजी भी रह जाता है। अच्छा जी, अगर हमने इसके ऊपर अगर हमने कोई ढूंढना है कि यार अगर लेट्स सपोज मैं कोई एफिलिएट स्टोर बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बड़ा जेनेरिक वर्ड की तरफ जाऊंगा, मैं नीच बेस की तरफ नहीं जाऊंगा, बिकॉज कल को जाके मैं अपनी नीच चेंज भी कर सकता हूं। तो मैं अगर एक नीच का डोमेन ले लूंगा तो फिर मुझे दोबारा डोमेन चेंज करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, एक ऐसा वर्ड आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नीच बेस की तरफ ही ना जाएं, आप जेनेरिक कीवर्ड निकाल लें। एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे जहन में एक वर्ड घूम रहा है जिसका नाम है, मैं अगर आपको आसान अल्फाजों में बताऊं, HKVentures.com, ठीक है। अब ये बड़ा जेनेरिक सा कीवर्ड है, अब आप इसको ढूंढ लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसके नाम की जो है आपको डोमेन भी मिल जाएगी, जो कि मेरा थोड़ा सा इस पर बिलीव है कि काफ़ी जेनेरिक सा नेम है, बट नेम की डोमेन ओके, इसकी डोमेन तो अवेलेबल नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, इसको आसानी के लिए हम HKVentures के आगे हम लिख देंगे HKVentures Store। देखें, अब कीवर्ड मैंने चेंज भी नहीं किया, मेरा HKVentures Store, अब स्टोर एक बड़ा जेनेरिक वर्ड है, वेंचर बड़ा जेनेरिक वर्ड है, HK एक मैंने वैसी वर्ड ऐड कर लिया जिसके लिए मुझे डोमेन अवेलेबल हो जाएगा। अब ये डोमेन अवेलेबल है तो ये डोमेन मेरे हिसाब से काफ़ी रेलिवेंट भी है, और स्टोर होने की वजह से ये जो कीवर्ड है ना स्टोर, इससे मुझे SEO करने का बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब स्टोर किस चीज़ का हो सकता है, स्टोर ग्रोसरी का हो सकता है, स्टोर आपका क्लोथिंग का हो सकता है, आपका ग्रोसरी का हो सकता है, होम एंड किचन का हो सकता है, किसी भी किस्म का स्टोर हो सकता है। तो स्टोर एक बड़ा परफेक्ट वर्ड है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, और वो रैंकिंग में भी काम देगा, और मेरे हर किस्म के एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ये बड़ा परफेक्टली फिट बैठ रहा है। तो ये एक आपने इस तरह डोमेन नेम को चूज़ करना है, और आपकी किसी भी नीश में इस तरह के वर्ड जो है ना जेनेरिक वो फिट हो सकते हैं। ठीक है, वापस आएंगे हम अपने सेशन की तरफ। तो ये आपका एक हो गया मेन चीज़ जो आपको मैंने बताई कि किस तरह आपने अपना कीवर्ड और डोमेन को सिलेक्ट करना है, और वो आपको काम देगा। सिलेक्ट अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। अच्छा, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वेब होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो लिस्ट होनी होती है, ठीक है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट ने सोर्स होना होता है। अब हर चीज़ को एक, जिसे कहते हैं ना आप समझ लें कि ये क्लाउड डिवाइस हो गई। क्लाउड डिवाइस कैसे हो गई, मैं आपको थोड़े से आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आपके जिस तरह सिस्टम की हार्ड ड्राइव होती है ना, उसमें आपका डाटा स्टोर होता है, इस तरह वेबसाइट के भी एक जगह पे डाटा स्टोर होना होता है, जिधर आपकी इमेजेस, आपके वेबसाइट का डाटा, ईच एंड एवरीथिंग अपलोड होती है, तो उसे होस्टिंग कहते हैं। तो आप होस्टिंग भी क्या करें,
होस्टिंग के लिए भी मैं आपको बड़ी आसान चीज़ बताऊंगा, वो भी आप लोग कहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो भी हम नेमचीप से कर सकते हैं। सिलेक्ट अ रिलायबल वेब होस्टिंग प्रोवाइडर टू होस्ट योर वेबसाइट, लुक फॉर होस्टिंग कंपनी दैट ऑफर अ गुड अप टाइम, फास्ट लोडिंग टाइम एंड एक्सलेंट कस्टमर सपोर्ट। शेयर्ड होस्टिंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर बिगनर्स। अच्छा, अपना शेयर्ड होस्टिंग के लिए भी आप लोग कहाँ पर जा सकते हैं, नेमचीप। मैं कहता हूँ बेहतरीन है आपके लिए, एक ऑल इन वन पैकेज है हमारा। यहाँ पे इसका कोई रेफरल प्रोग्राम या इसका एफिलिएट नहीं है, ना मैं कोई एंडोर्समेंट दे रहा हूँ, जस्ट एज बीइंग अ गुड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि बहुत आसान है इसको यूज़ करना, रिलायबल है, और सबसे बड़ी बात यह कि न्यूबीज के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इसके अंदर आपको चैट सपोर्ट और कोई मसला तो वो भी आपको हेल्प आउट कर सकती है। देखिए इसका जो मिनिमम सबसे जो है ना पैकेज, वो लीस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है $1.8 से, जो कि पाकिस्तानी मेरा ख्याल है ₹500 भी नहीं बनता होगा, बेर मिनिमम ₹400 बनते हैं एक महीने के लिए। तो वो भी एक बड़ा अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं, और ₹400 को अगर आप महीने में लगाएं तो ये साल का ₹5,000 बनता है, बहुत ही बेर मिनिमम कॉस्ट है और आप लोगों के लिए शेयर होस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जाएं वापस अपने लेक्चर की तरफ, तो आपको होस्टिंग का भी समझ आ गया। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा टेक्निकल चीज़ होगी, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बट आसान है, आपको समझा दिया जाएगा इसको भी। चूज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। अच्छा, CMS जो होता है ना, वो आपका एक वो होता है जिसे आप कह सकते हैं मेन मैनेजमेंट चैनल होता है जो आपकी वेबसाइट को चलाता है, ठीक है। कंसिडर यूजिंग अ फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली CMS टू बिल्ड एंड मैनेज योर वेबसाइट। वर्डप्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज CMS फॉर अफिलिएट वेबसाइट ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ यूज एंड वास्ट प्लगइन इकोसिस्टम। CMS एक वो प्लेटफॉर्म होता है जो आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए फायदे कह रहा हूँ, आपकी हेल्प करता है, जिसके ज़रिए आपकी वेबसाइट मैनेज होती है, चलती है, अपलोड होती है। अच्छा, CMS काफ़ी मल्टीपल किस्म के होते हैं, एक वर्डप्रेस है, दूसरे में आपका मैजेंटो आ जाता है, तीसरा आपका शॉपिफाई आ जाता है, शॉपिफाई भी आपका CMS आ जाता है। तो ये तीन है, बट सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे आसान फॉर द न्यूबीज ऑल्सो, और आपके जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल अफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए भी ना, वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट आपका अफिलिएट अपना CMS अब तक का आ रहा है। तो जब आप वेब होस्टिंग लेंगे तो वो आपको उसी के अंदर आपको ऑप्शन दे रहा होगा अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की। तो वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आप उसके ऊपर ही अपना जा सकते हैं। इंस्टॉल एंड कस्टमाइज वर्डप्रेस। इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर वेब होस्टिंग अकाउंट एंड बिगिन कस्टमाइजिंग योर वेबसाइट। चूज अ सूटेबल थीम दैट अलाइन विद योर नीच एंड प्रोवाइड द डिज़ाइन टू लेयर डिज़ाइन। कस्टमाइज़ द वेबसाइट्स अपीयरेंस एंड द स्ट्रक्चर टू क्रिएट ब्रांडेड एंड अपीलिंग लुक। अच्छा जी, अपना इसको आप किस तरह कर सकते हैं वर्डप्रेस को, आप वर्डप्रेस खुद भी बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। वैसे मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप YouTube से वीडियो देख सकते हैं वर्डप्रेस को आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग इसकी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि किस तरह वेबसाइट आपकी बन जाएगी, या अगर आप किसी से बनवाना चाहें तो बड़ी आपकी बेयर मिनिमम कॉस्ट पर आप किसी से प्रोफेशनल वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, कम पैसों में आपकी एक अच्छा बंदा वेबसाइट भी बना के दे सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बट आप अगर खुद भी इंस्टॉल करना चाहें तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, ये आपका इसका आसान तरीका होता है। ये आपका सी पैनल होता है एक, ठीक है। आप जब अपनी वेब होस्टिंग खरीदते हैं, वेब होस्टिंग खरीदने के बाद आपने अपने सी पैनल में आना होता है, जो भी आपकी डोमेन नेम होता है, और सी पैनल में आने के बाद ये देखें, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, लिखा होता है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर कैलोस। आपने इस पर जाकर क्लिक करना है और अपनी सेलेक्टेड डोमेन पर जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना होता है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का भी टॉपिक। बट आपके लिए फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खुद करना चाहेंगे दैट वुड बी वे मच बेनिफिशियल फॉर यू, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। यूट्यूब पे हर किस्म की नॉलेज बेस है, आप किसी भी 40-50 मिनट की एक वीडियो देखेंगे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरह की आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। हाँ, बट अगर आप मेरे से एक रिकमेंडेशन एक अच्छी प्रोफेशनल वे में लेंगे, बिकॉज ये आपका बिजनेस है, तो इसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ों को डिज़ाइनिंग को देखना होता है। अगर आप वेबसाइट वाले चैनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग साइड है, आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की तरफ भी आ सकते हैं, जो कि हम अगले टॉपिक पे करेंगे, लेकिन अगर आप वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं तो वेबसाइट आप किसी प्रोफेशनल बंदे से भी डिज़ाइन करा सकते हैं, वो आपको आपकी नीश के डिज़ाइन के हिसाब से भी बना के दे सकता है, बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इंस्टॉल एसेंशियल प्लगइन्स। अच्छा, इसके अंदर बहुत सी प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है। इसके अंदर आपको बहुत सा आप वेबसाइट इंस्टॉल कर लेंगे वर्डप्रेस के अंदर, तो वर्डप्रेस के अंदर आपने प्लगइन्स में जाना है, और मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। इधर जाके हम सर्च ही कर लेते हैं, और इधर हम जाके लिखेंगे वर्डप्रेस इम्पोर्टेंट प्लगइन्स। अब मैं आपको इसके अंदर पहले ही बता देता हूँ, जिसके अंदर आपका वूकॉमर्स आ जाता है, एलिमेंटोर आ जाता है, ठीक है,
और आपकी और भी बहुत सी प्लगइन्स आ जाती हैं। ये मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, ये देखें, वू कॉमर्स आ गया आपका, डब्ल्यू पी फॉर्म्स आ गया, एलिमेंटोर आ गया, योस्ट एस ई ओ आ गया। अच्छा, ये एस ई ओ के लिए यूज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। वू कॉमर्स आपकी सेलिंग के लिए यूज़ होती है, ये आपके फॉरम्स और आपकी लिंक्स के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आपकी एलिमेंट और आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए होती है, ड्रैग एंड अपलोड के लिए, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं चाहिए होती, ठीक है। और ये आपकी रैंकिंग के लिए आपकी ज़रूरत होती है, जो आपकी परफॉर्मेंस बेस को फास्ट करती है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल एसेंशियल प्लगइन्स, ये भी आपने काफ़ी हद तक समझ लिया। अब आ जाते हैं अगला, क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस, सेटअप एसेंशियल पेजेस दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू योर विजिटर्स दैट मे इंक्लूड एन अबाउट पेज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और योर ब्रांड, अ कॉन्टैक्ट पेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद योर ऑडियंस, एंड अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज टू इन्फॉर्म विजिटर अबाउट योर डाटा कलेक्शन एज योर यूजेज। अच्छा जी, कुछ पेजेस होते हैं जो वेबसाइट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके साथ उनका आपसे इंट्रैक्शन एक बिल्ड हो जाता है। कैसे इंट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वेबसाइट आपने बना ली, आपकी वेबसाइट का एक अबाउट अस पेज होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट और आपके एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में लोगों को पता हो कि आप लोग क्या बेस करते हैं, आप लोग किस तरह इसके ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या नॉलेज बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका इसको बनाने का मकसद क्या था। और बनाने का मकसद आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप डालने के, ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट था, हमारा बैकग्राउंड बिजनेस था, वट एवर यू कैन से ऑन दैट पेज, यू कैन डिस्क्राइब इट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। और उसके अलावा आप उसको जिस लेवल तक लेके जा सकते हैं वो आप उसको लेके जा सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बेसिक वेबसाइट आप किसी को भी आप ऐड कर लें। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो ये एग्जांपल होगी, जैसे कि ये मैं आपके पास अगर आऊं तो जैसे कि ये एक अफिलिएट वेबसाइट है, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, योर ड्रीम कॉफ़ी, ठीक है। अब ये देखें अबाउट मी, अब ये अबाउट मी का जो सेशन है ना, इसके अंदर आपको ये बता देता है जिस बंदे की एफिलिएट वेबसाइट है, अबाउट जेफरी, माय स्टोरी, आई एम 23 ईयर लिविंग इन द नेदरलैंड, माय एंटायर लाइफ हैज बीन रीडिंग अदर योर ड्रीम कॉफी। उसने सारे अपने इंटरेस्ट और अपनी चीज़ों के बारे में बताया और काफ़ी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हुई है। तो ये एक अबाउट अस का पेज हो गया, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट का भी पेज आ गया आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपके फॉरम आ गया, ये काफ़ी चीज़ें उसने अपनी वेबसाइट के अंदर की होती हैं ऐड, जिसको आपने भी अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। अच्छा जी, ये क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस भी हो गया, इम्प्लीमेंट एफिलिएट डिस्क्लोजर। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ वेबसाइट की हद तक ही ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा लागू नहीं करती, बिकॉज उसके अंदर एक ऑब्वियस ही बात होती है, जब आप उसको कर रहे होते हैं ना तो वो ऑलरेडी एक सेंस बना देती है कि आप किसी और की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं सेल्स को। अच्छा जी, adhere to legal and ethical guidelines by including an affiliate disclosure statement on your website that inform योर विजिटर्स दैट यू मे अर्न कमीशन फ्रॉम एन अफिलिएट लिंक ऑन योर साइट। अच्छा, इसको आपने डिप्लोमेटिकली एक्सप्लेन कर देना अपने कस्टमर्स को कि ये एक रेफरल और अफिलिएट प्रोग्राम है, इसको आप खुद नहीं सेल कर रहे। कल को ये भी हो सकता है कि आप किसी और अफिलिएट प्रोग्राम की तरफ से आप प्रोडक्ट बेचें, ये एक मैं आपको इन केस एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारे प्रोग्राम की तरफ से नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग तो आपके साथ टोटली इनकनेक्टेड होंगे। अगर आप किसी और अफिलिएट प्रोग्राम को आप एडअप करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और आप अपने अफिलिएट वेबसाइट के जरिए उनको सेल पहुंचाते हैं, और जो कस्टमर आपकी वेबसाइट से उनके पास जाता है और कल को खुदा ना खास्ता वो प्रोडक्ट में कोई इशू आ जाता है, तो वो कल को आपको ना इस पर ब्लेम करे। अफिलिएट डिस्क्लोजर का मकसद ये होता है ताकि आपका इससे बचत हो जाए। अच्छा जी, इम्प्लीमेंट एफिलिएट डिस्क्लोजर भी हो गया, कंटेंट क्रिएशन। अच्छा जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है, इसको तो मेरे ख्याल से आपको आंखें खोल के, कान खोल के, सारा कुछ बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन, स्टार्ट क्रिएटिंग हाई क्वालिटी क्वालिटी वैल्यूएबल एंड रेलिवेंट कंटेंट रिलेटेड टू योर नीच। दिस कंटेंट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट रिव्यूज, ट्यूटोरियल, कंपैरिजन आर्टिकल, वीडियो और पॉडकास्ट। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू योर ऑडियंस प्रॉब्लम एंड ऑफरिंग जनरल रिकमेंडेशन। अच्छा, कॉन्टेंट क्रिएशन की भी बहुत से तरीके होते हैं, मैं आपको बड़ी मज़ेदार और रेलिवेंट किस्म की एग्जाम्पल दूंगा। आप लोग अगर टिकटॉक यूज़ करते होंगे, आपने टिकटॉक के ऊपर बहुत सी आपकी नज़र से इस तरह की वीडियोज़ गुजरी होंगी, जिसके अंदर वो चाइनीज़ ज़्यादातर वीडियोज़ होती है, जिसके अंदर आप लोग देख रहे होते हैं कि वो ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अरेंज करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, होम एंड किचन की, किचन के रिलेटेड वो चीज़ें अरेंज करने के लिए बहुत से उनके पास ना जार्स होते हैं, बॉटल होती है, फ्रिज के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खाने बनाए होते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ेबल होती हैं। आपने देखा होगा
टिकटॉक पे वो वीडियो आ रही होती है, फेसबुक पे रील्स आ रही होती हैं जिसके अंदर वो प्रोडक्ट साफ करने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ना ईज वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, वो जो वीडियो होते हैं ना बड़ी हमें अपील कर रही होती है, फिर बाद में हम सोच रहे थे काश यार ये प्रोडक्ट हमारे पास भी हो। तो वो असल में होता क्या है, वो असल में वीडियो नहीं दिखा रहे थे, वो असल में एफिलिएट प्रोग्राम होता है। आप उस वीडियो के लिंक में जाएंगे आपको प्रोडक्ट का बाय करने का लिंक मिल जाएगा। तो ये जो होता है ना ये कंटेंट क्रिएशन होता है, यानी कि आपने कंटेंट इस तरह का बनाना है कि कस्टमर और जो भी ऑडियंस हो उसको इतना अपील करे कि जो भी आप उसमें प्रोडक्ट दिखा रहे हो ना वो राइट वे उसको खरीदने के बारे में सोचे और उसको फील हो कि यार हाँ ये मेरी ज़िंदगी की एक नीड है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है। अच्छा जी एग्जाम्पल है, अब ये जो एक वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक वेबसाइट जो है ये एक डॉग फूड से रिलेटेड है, डॉग फूड का जो नीश होती है ना ये उससे रिलेटेड, यानी कि पेट फूड की एक नीश वेबसाइट है और इस वेबसाइट का नाम है dogfoodadvisor.com। और इसके अंदर ये देखें रिव्यूज़ भी दिया हुआ है और ये पूरा इस प्रोडक्ट के बारे में लिंक दिया हुआ है और इस प्रोडक्ट का बारे में सारा एक पूरा एक पोस्ट बनाई हुई है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या रिलेटेड है। और अगर आप पूछेंगे इसका एफिलिएट लिंक क्या है, इसको बाय किस तरह करना है, ये देखें ये बाइंडिंग का टिप का एक लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे और स्ट्रेट अवे आप उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे पहुंचेंगे। नाउ दिस इज एग्जैक्टली हाउ अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। ये आपकी वेबसाइट होगी जिधर आप हमारा लिंक लगाएंगे गिवन या किसी भी अफिलिएट का, ठीक है। उसके बाद आप लिंक पे आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा लिंक करेगा वो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आके परचेज करेगा, जैसे ही वो इस वेबसाइट से परचेज करेगा आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। नाउ दिस इज एग्जैक्टली हाउ अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल वर्क्स। अब ये $120 की प्रोडक्ट है, इस पर 30% भी कमीशन अगर आप लगाएं ना तो दैट वुड बी इजीली $30, 30 भी नहीं $40, $40 का कमीशन आपने एक लिंक पे कमा लिया, वो भी एक सेल से। आपने दिन की 10 सेल की, आपका $400 बन गया महीने का, एक दिन का आपने एक दिन का 300,000 रुपया बना लिया, जिसको आप कह सकते हैं $400 को 120,000, तो 300,000 कह रहा हूँ, 120,000 रुपये आपका एक दिन का बन रहा है अफिलियट से। लोग इसे ज़्यादा भी कमा रहे हैं, $4,000, ये मैंने आपको बड़ा बेयर मिनिमम एक बताया। रैंकिंग और बाकी चीज़ें भी इस पर मैटर करती हैं, एक हाईली एक्सपेक्टेशन को मैं सेट नहीं करना चाहूँगा बट ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा जी ये एक आपने वेबसाइट देखी किस तरह आपने अपना लिंक और कॉन्टेंट क्रिएशन करना है। एक और वेबसाइट की तरफ आएंगे, ये ड्रीम कॉफ़ी के ऊपर, इसके अंदर आप कैटेगरीज में चले जाएँ। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की आपकी वो हो सकती है। अच्छा ये नेट का इशू आ गया है, जस्ट बेयर विद मी। ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सो गेटिंग बैक विद द सेशन। अच्छा इसको हम जरा रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट हैं। अच्छा ये ब्लॉग पोस्ट आपकी कहलाती हैं, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये प्रोडक्ट आ गई आपकी ब्लॉग पोस्ट वाली। अब इसको हम कहीं से भी, इसके अंदर आपके सारे लिंक्स आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी पोस्ट बन गई। पोस्ट बनने के बाद हो क्या रहा है, अब इसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स के बारे में डाटा लिखा हुआ है। अब आप करेंगे क्या, अब आप इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर आपको एक आधा लिंक जो होगा ना वो दिख जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। ये देखें ये आप क्लिक करेंगे, हेयर यू आर नाउ, दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। ये एक बड़ा आसान तरीका था मैंने आपको समझाया एफिलिएट मार्केटिंग करने के। इस तरह की आपकी कंटेंट क्रिएशन होनी चाहिए कि आपकी पोस्ट पे आए बंदा देखे और बड़ी अपीलिंग होनी चाहिए, जिसको हम आगे जाके डिटेल में आपको कंटेंट क्रिएशन भी सिखाएंगे। हर चीज़ के ऊपर एक काफ़ी डिटेल सेशन होगा, ये भी आपको सारा ओवरव्यू दिया जा रहा है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आहिस्ता एक्सप्लेन भी की जाएंगी। अच्छा जी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट एंड वेबसाइट फॉर सर्च इंजन्स to increase organic traffic, perform keyword research to identify relevant keywords to target within the content, use SEO best practices such as incorporating keyword naturally, writing compelling meta description and building quality backlinks. SEO के अंदर आपका ये होता है कि आप जो भी लिंक बनाते हैं ना वो कीवर्ड्स उसके अंदर आपको ना थोड़े बहुत आपको ना पंच करने होते हैं, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग एक वर्ड यूज़ होता है जो आप एसईओ के लिए यूज़ करते हैं जब आप अपनी ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, हैशटैग्स लगाते हैं ताकि आपके उन नेचुरली कीवर्ड्स को जब गूगल पे जाके सर्च कोई करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। अब कल वाला चीज़ को मैं इधर दोबारा एडअप करूँगा, आप याद करें हमने कल के लेक्चर के अंदर सीखा था गूगल कीवर्ड रिसर्च, तो आज हम जाएंगे और इसके ऊपर जाके हम लोग लिखेंगे गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है। और
हम इसके ऊपर जाएंगे और इसके अंदर आपको दिख जाएगा। जबकि गूगल कीवर्ड्स की जगह आप जाके लिख दें गूगल ट्रेंड्स, ये आपके आ गया trends.google.com। अच्छा जी, आपने जाना है इसके अंदर जाके कोई भी कीवर्ड लिख देना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लिखूँगा डैगर्स, ये हम इस कंट्री में जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और इसको अब सर्च करते हैं। ये देखें, अब आपको डेली की वो आपको बताता जाएगा कि कितने लोगों ने इसको डेली सर्च किया। और ये देखें, ये आपको दिन के बता रहा है, इधर 25 बंदा, 100 बंदा, कितने बंदे जा रहे हैं, ये सारे ट्रेंड्स आपको बता रहा है। थोड़ा सा और कर दूं तो फिर मैं लिखूंगा, एग्जांपल ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं डुएट कवर, या मैं लिख देता हूँ पिलोज। अब हम जाके गूगल ट्रेंड पे देख लेंगे कि किस बंदे ने पिलोज के वर्ड को कितना को सर्च किया। अब ये देखिए, आप पूरी रिपोर्ट आपके सामने खुल गई, दिन के 100 200, ये सारी। अब आप इसके साथ कीवर्ड्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने एसईओ करनी होती है तो ये गूगल ट्रेंड्स आपका बहुत फ़ायदा देता है। आप ट्रेंडिंग नाउ पे भी जाके देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रेंड क्या कर रहा है, ठीक है। मार्केट प्लेस आपने चेंज कर लेनी है, पाकिस्तान था, आपने हर चीज़ को उसके हिसाब से अपनी मार्केट रिसर्च और टाइम स्पैम कैटेगरीज वेब सर्च, ये सारे टूल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आ गया एसईओ का। अच्छा जी, प्रमोशन एंड ऑडियंस बिल्डिंग, प्रमोट योर वेबसाइट एंड कॉन्टेंट थ्रू वेरियस चैनल सच एज सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन कम्युनिटीज रिलेटेड टू योर नीश, एंगेज विद योर ऑडियंस एंड बिल्ड रिलेशनशिप टू फोस्टर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अच्छा जी, प्रमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेबसाइट की भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें मैं वेबसाइट को आपको रिकमेंड करूँगा, एज बिंग अ बिगिनर आप ना भी करें, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत आप लोग अर्न करना शुरू कर दें। उस प्रोग्राम से जैसे आप अर्न करना शुरू करेंगे ना, तो उसके बाद ही आप वेबसाइट की तरफ भी आ जाए। फिर इसमें होगा कि आप लोग मल्टी लिंक किस्म की ना मार्केटिंग को चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्या करना है, आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज है, आपने उस पर मार्केटिंग वगैरह करनी है, आपने इंस्टाग्राम के पेज जिस पर फॉलोअर्स वगैरह गेन करने हैं, साथ साथ आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक देते जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग बन जाएगी, आपके इंस्टाग्राम पेज की और आपके फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी रैंकिंग हो जाएगी, और अफिलिएट की सेल्स आपको साथ साथ दोनों जगह से आएंगी। ये एक बड़ा अच्छा है क्योंकि आपको हर जगह की इंडिविजुअल ट्रैफिक एक मिल जाएगी, एक डेडिकेटेड ऑडियंस बिल्ड होती जाएगी। सो ये एक अच्छा तरीका है करने का जिसके ऊपर आप करें, और मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं, पेड एडवर्टीजमेंट से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मॉनिटर एनालिटिक्स, इंस्टॉल वेबसाइट एनालिटिक्स टूल गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक योर वेबसाइट परफॉर्मेंस, एनालाइज मैट्रिक्स लाइक वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्जन रेट्स एंड यूजर बिहेवियर टू आइडेंटिफाई एरियाज टू इंप्रूव एंड ऑप्टिमाइज योर अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आपको अपनी वेबसाइट का जो है डाटा और उसके ऊपर जो आपका कंटेंट है उसको भी अपडेट रखना पड़ेगा, अप टू द मार्क रखना पड़ेगा। गूगल एनालिटिक्स पे जाके, जहाँ गूगल ट्रेंड्स पे जाके मैंने अभी आपको दिया कि इस वक्त ट्रेंडिंग क्या जा रहा है, अपनी नीच से जाके ट्रेंडिंग चीज़ों को निकालें और उस हिसाब से अपनी वेबसाइट की चीज़ों को ट्रेंड करें। आप अपनी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स और आपको दिख रहा होगा कि क्या ट्रैफिक आ रही है, वो किस चीज़ को सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आ रही है, ये सारी चीज़ें ना आपको एनालिटिक्स उस पर दिख रही होंगी। तो ये चीज़ों को भी आपने काफ़ी ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि किस तरह आप इन चीज़ों को कूप अप रखे चला सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को अप टू द मार्क फुली अपडेटेड और इवॉल्व रख सकते हैं। अच्छा जी, स्टे अपडेटेड एंड इवॉल्व, कीप अप विद योर इंडस्ट्री ट्रेंड, एल्गोरिथम चेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द अफिलिएट मार्केटिंग, कंटिन्यूसली अपडेट एंड इंप्रूवमेंट ऑन योर वेबसाइट कंटेंट, स्टे रेलेवेंट एंड कंपेटिटिव इन द एवर चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप।
अच्छा जी, ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है जो पहले लेक्चर से इसका, अभी पिछले टॉपिक से इसका वो हो रहा है लिंकिंग, कि आपने हमेशा अपडेटेड रहना है, चीज़ों को आपने ऑप्टिमाइज रखना है और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करके हमेशा आपने अप टू द मार्क रहना है, कि ये ना हो कि आपके पास आउटडेटेड चीज़ हो और मार्केट में उससे ज़्यादा नई चीज़ें आ गई हों। आपने नई से नई चीज़ों को रिसर्च करते रहना है, जो कि आपको आगे जाके भी एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह आपने उसको करना है, अप टू द मार्क रखना है, और बस हर चीज़ आपको सारी चीज़ें बताती जाएंगी। इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग की जाएगी, कुछ चीज़ों को आपका अपना बिजनेस है। देखें, जो बिज़नेस की पेन आप लोग ले सकते हैं वो कोई भी नहीं ले सकता। हम लोग आपको एक बिल्कुल अच्छा पाथवे, एक रोड मैप दे देंगे, उसके अंदर मज़ीद बेहतरी कैसे लानी है वो आप लोगों का है। किस तरह, देखें, बिज़नेस आप लगा जो आप लोग इसको पेन ले सकते हैं वो कोई भी बंदा नहीं ले सकता। तो कोशिश आपने करनी कि आपने हर वक्त रिसर्च करते रहना है। जो पेन आप लोग ले सकते हैं, जो बेहतरी आप लोग अपने कारोबार में ऐड कर सकते हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई आपका दोस्त नहीं कर सकता, कोई फैमिली मेंबर नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, वो आप लोग ही कर सकते हैं। बिकॉज आप अपनी मेहनत इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग अपना पैसा अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप लोग इसकी कदर बहुत अच्छे से जान सकते हैं। हम आपको इसके तरीके बता सकते हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी के लिए आपको उन तरीकों को और मज़ीद बेहतर तरीके से करते रहना होगा, ताकि आपका बिज़नेस और सस्टेनेबल हो जाए। ठीक है, तो ये एक इस बिज़नेस में नहीं, ये हर बिज़नेस का असूल है कि आपने कभी भी आउटडेट नहीं होना मार्केट से। क्योंकि आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ टाइमली मैनर के अंदर क्या डेली बेसिस पे इतनी फैस्टली ग्रो कर रही है, इतनी फैस्टली इवॉल्व कर रही है, दैट यू हैव नो आइडिया कि क्या चीज़ें कब तक कितनी फास्टली ग्रो कर जाएँ। तो बस ये चीज़ होती है जो आपको हमेशा अपने बिज़नेस के अंदर एक टॉप मुकाम पे रखती है और सस्टेनेबल रखती है, दैट इज़ इवॉल्विंग। सो कीप इवॉल्विंग योर बिज़नेस अराउंड द अपडेटेड मार्केट स्टैंडर्ड्स, सो दैट विल डेफिनेटली मेक योर बिज़नेस प्रॉफिटेबल और अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस और मार्केट स्टैंडर्ड्स। रिमेंबर दैट बिल्डिंग अ सक्सेसफुल एफिलिएट बिजनेस टेक्स टाइम, एफर्ट एंड डेडिकेशन। Focus on providing your value to your audience, establish your expertise and ensuring your website create a sustainable profit and affiliate marketing business. Same वही बात जो मैंने अभी आपको बोली कि focus करना है आपने अपनी audience के ऊपर, हमेशा अपनी expertise को follow up करके उसको और मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ताकि आपका business और आपके लिए फ़ायदेमंद बने और उसके अंदर आप जितनी ज़्यादा effort डालेंगे वो आपके लिए अच्छा और एक profitable business साबित होगा। Okay जी, That's pretty much it for your today's session. और आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आज की भी मज़े की लगी होंगी, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ऑडियंस हो भी सकता है कि इसके अंदर कन्फ्यूज़ हुई हो, बट आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सेशन आपके आने वाले हैं और वो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको हर सेशन में ये चीज़ बोलता हूँ, एक दफ़ा फिर बोलूँगा, कोई भी क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड आ रहे हो, आप उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और इंशाल्लाह आपके क्यू एन ए सेशन के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। रिमेंबर दैट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप करें और इसके अंदर आप लगाएं और आपका काफ़ी हद तक काम इसके अंदर बेहतर भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छी इसके अंदर आपको चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। गुड लक विद योर बिजनेस एंड लुक सी यू इन योर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खैरियत से रहिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।